Hello students, welcome to my channel. I'm Dr. Vinita Negi, making math learning easy and simple for you. Today we are learning the elementary properties of vector space. Vector space kya hota hai? Aap kisi set ko vector space kaise prove karte hain? Ye hum pad chuke hain. Ab hum aage badhte hain properties ki taraf. Uspe kuch specific theorems hain, wo hum yahan pe aaj study kar rahe hain. To theorem hai hamare paas, let VF is a vector space. Aapke paas vector space hai. V over F, हमने एक element ले लिया alpha from field F and XY elements ले लिया हमने V से, तो आपको ये सारे statements prove करने हैं किसी vector space के लिए, तो इसमें जो पहली theorem है, पहले हम उसको study करें, first जो हमारे पास prove करने के लिए है, alpha into 0 vector is equal to a 0 vector, ठीक है, तो इसका proving देखिए, ये 0 vector है मेरे पास, तो 0 vector में अगर मैंने एक 0 vector और add किया, तो अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा 0 वेक्टर 0i + 0j + 0k उसको मैं लिख सकती हूं 0 + 0 = 0 तो इस पूरी इक्वेशन में हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा * 0 वेक्टर + अल्फा * 0 वेक्टर = अल्फा * 0 वेक्टर अब मैं क्या करती हूं लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज रखते हैं राइट हैंड साइड जो अल्फा * 0 वेक्टर है इसमें मैं ऐड कर देती हूं 0 वेक्टर वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के हेल्प से हम कह सकते हैं कि With respect to addition, identity vector होता है, जैसे कि यहाँ पे identity vector है, zero vector. तो identity vector में वहाँ पे आप कोई भी element add करते, तो again आपको वही element मिलता है. तो मैंने इस element को लिख दिया, this element plus इसका identity के साथ addition. ऐसा करने से क्या होगा? हम यहाँ पे left cancellation law apply कर सकते हैं. Left cancellation से आपके ये दोनों term cancel हो जाएंगे, तो आपको result क्या मिल जाएगा? Alpha into 0 vector is equal to 0 vector. ये हमें prove करना था. Next move करते हैं हम second की तरफ. तो second में हमें prove करना है कि 0 into x is equal to 0 vector. यहाँ पे जो ये 0 है, without arrow, ये 0 denote करता है कि ये 0 element कहाँ से आ रहा है? Field से आ रहा है. Means ये scalar है, vector नहीं है. इसलिए मैंने यहाँ पे arrow नहीं denote किया. तो 0 के लिए जो कि फील्ड से आ रहा है मैं लिख सकती हूं 0 + 0 = 0 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा अब मैं क्या करती हूं इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूं राइट साइड से x से ठीक है x मेरा एलिमेंट कहां से आ रहा है वेक्टर से आ रहा है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होती है इसको ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 * x + 0 * x = 0 * x हमें प्रूव करना है 0 * x = 0 वेक्टर यानी कि यहां पे हमें 0 वेक्टर लेके आना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं इस 0 * x को लिख देते हैं this 0 into x is equal to the same element plus यहाँ पे identity. तो क्योंकि ये x कहाँ से आ रहा है? Vector से आ रहा है. तो यहाँ पे vector के case में identity क्या है? 0 vector. So I can write this as this element plus 0 vector. ऐसा करने से अब क्या हुआ? Left side हमारे दोनों element same है. तो यहाँ पे भी left cancellation apply करूँ तो result मिल गया 0 into x is equal to 0 vector. Second theorem भी मेरी prove होगी. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम थर्ड थर्ड हमें प्रूव करना है अल्फा इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा इनटू एक्स या फिर मैं इसे कह सकती हूँ माइनस अल्फा इनटू एक्स ये हमें प्रूव करना है तो हमने क्या किया अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा को मैंने एक्स प्लस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो अगर मैं इसे ओपन करूं तो आई कैन राइट अल्फा इनटू एक्स प्लस alpha into minus x but x आपका vector से आ रहा है and minus x भी vector से आएगा and ये x के लिए minus x क्या है additive inverse तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा vector के केस में identity यानि कि zero vector तो alpha into zero vector is equal to alpha into x plus alpha into minus यहाँ से multiply करने पे आपको मिल गया zero vector is equal to same as it is कि जब मैंने alpha into x में alpha into minus x add किया तो मुझे क्या मिल रहा है identity मिल रही है एंड किसी एलिमेंट में अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं और आपको आइडेंटिटी मिलती है इट मींस ये वाला इसके लिए क्या है इसका इनवर्स है तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम बात करते हैं तो हम यहां से कंक्लूजन में लिख सकते हैं दिस अल्फा इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा एक्स वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा एंड यहां पे सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा इनटू एक्स क्योंकि अल्फा क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है एंड कांस्टेंट को मैं लिख सकती हूं ब्रैकेट के अंदर या मैं ब्रैकेट से बाहर लेके देन x से मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूं किसी वेक्टर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं सो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा इनटू माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा इनटू x फोर्थ प्रॉपर्टी आपको ये प्रूव करनी है
लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इस x को प्लस माइनस y में लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ, तो अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू माइनस वाई एंड अल्फा इंटू एक्स। तो हमने अभी देखा कि अल्फा इंटू माइनस एक्स को हमने या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अल्फा इंटू माइनस वाई को लिख देती हूँ माइनस अल्फा इंटू वाई, जो अभी हमने प्रूव किया। तो हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई। नाउ फिफ्थ हमें प्रूव करना है, अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एंड ये अल्फा जीरो नहीं है। आपको ये बताना है कि अगर ऐसा है तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। अब देखिए, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो ये अल्फा आपका आ रहा है फील्ड से, तो अगर अल्फा वहां पे है फील्ड में, फील्ड यानी कि वो ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा इनवर्स भी फील्ड में होगा। इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड अगर अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा इनवर्स से, और इसको मैं लिख देती हूँ अल्फा इनवर्स इंटू अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू, अल्फा इनवर्स को मैं जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, जीरो वेक्टर। एंड अल्फा को अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी। एंड फॉर दिस फील्ड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, वन। सो आई कैन राइट दिस अल्फा इनवर्स इनटू अल्फा इज इक्वल टू वन, सो वन इनटू एक्स इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया, जीरो वेक्टर। ओके, ये हम कब कह रहे हैं, जब आपका जो अल्फा है वो नॉन जीरो है, यहाँ पे जो आपने अल्फा मल्टीप्लाई किया है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट होगा तभी हम उसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अल्फा इनवर्स यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ लास्ट है इसमें सिक्स, यहाँ आपके पास अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई है, इससे आपको बताना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो हम लेके चले हैं यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई। तो इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड सेपरेट कर दूं अल्फा इंटू वाई से, सेपरेट करने पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई, ये अभी हमने जो प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ अल्फा कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई, एंड किसी एलिमेंट को आपने माइनस किया उससे, या फिर मैं इसको कह देती हूँ अल्फा इंटू वाई प्लस माइनस अल्फा इंटू वाई, एलिमेंट को उसके एडिटिव इनवर्स से आपने एड किया तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी, दैट इज जीरो वेक्टर। तो अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यहाँ पे अल्फा आपका कैसा है, जीरो नहीं है, तो एक्स माइनस वाई आपका जीरो हो जाएगा, एंड यहां से हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से ये थी थ्योरम फर्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास वेक्टर स्पेस दे रखा है आपको, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है एक्स वाई फ्रॉम वी एंड अल्फा बीटा फ्रॉम एफ। अगर अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स है एंड एक्स आपका नॉन जीरो है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। सेकेंडली अगर अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई है और अल्फा आपका नॉन जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, ये आपको प्रूव करना। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स, तो आई कैन राइट दिस एज अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसे मैंने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स आपका क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, इस केस में ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, सो आई कैन राइट दिस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्स वेक्टर था वो नॉन जीरो था, इसलिए हमने ऐसा कहा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। नाउ सेकंड, सेकंडली हम लेके चले हैं अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू वाई। तो सिमिलरली जैसा हमने ये किया इसके अकॉर्डिंग मैं लिख देती हूँ अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा कॉमन लिया एक्स माइनस वाई इन अ ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो आपका अल्फा फील्ड से आ रहा है ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये थ्योरम्स प्रूव करते हैं। ओके, थैंक यू।